नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, हमारे देश में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप में अलग स्थान व इतिहास रखते हैं। इन्हीं मंदिरों की कोई ना कोई विशेषता होती है जिस कारण लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको अपनी उस पवित्र धाम की यात्रा के बारे में बताऊँगी जहाँ मैं 2019 में गई थी। इस स्थान पर आप साक्षात यमुना माँ व उनके पिता सूर्यदेव भगवान के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, चार धामों में से एक यमुनोत्री धाम के विषय में मैं आज आपको बताऊंगी। यमुनोत्री एक दुर्गम स्थान है जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यहाँ पर जाने के लिए एक प्रबल इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। उत्तराखंड में छोटी चार धाम यात्रा शुरू करने के लिए आदर्श रूप से पहला गंतव्य स्थान यमुनोत्री धाम को माना गया है। इससे यात्रियों को आगे एक सुरक्षित और अविस्मरणीय आध्यात्मिक यात्रा करने का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, देवी यमुना को समर्पित यह मंदिर 3293 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी का वास्तविक स्रोत कालिंद पर्वत पर लगभग 4421 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुना नदी को हिंदू धर्म में देवी का दर्जा दिया गया है। इसे कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह कालिंद पर्वत से निकलती है। दोस्तों, यह वह यमुना माता है जो यमुनोत्री से निकलकर कलकल बहती हुई हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों से होती हुई इलाहाबाद संगम में गंगा नदी में मिल जाती है। देवी यमुना का मंदिर हिमालय क्षेत्र के पश्चिमी भाग में स्थित है। शास्त्रों के अनुसार माता यमुना सूर्यदेव की पुत्री है और धर्मराज यमराज की छोटी बहन है। इस मंदिर में मृत्यु के देवता यमराज अपनी छोटी बहन यमुना के साथ साथ विराजते हैं। कहा यह भी जाता है कि जो भी भाई बहन कार्तिक अमावस्या के दिन यमुना में स्नान करते हैं उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया। इतिहासकारों के अनुसार यमुनोत्री मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने कराया था। हालांकि इस धाम का पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में करवाया था। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यमुनोत्री में ऋषि असिद्ध भी निवास करते थे। वे प्रतिदिन यमुनोत्री और गंगोत्री में स्नान करते थे, लेकिन वृद्धावस्था के कारण वे गंगोत्री जाने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने देवताओं से आराधना की कि माँ गंगा की एक धारा यहाँ पर भी छोड़ दें। तब उनकी प्रार्थना स्वीकार करी और यमुना के साथ साथ माँ गंगा की एक धारा यमुनोत्री में प्रकट कर दी। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि यमुनोत्री धाम कैसे पहुँचे। यमुनोत्री ऋषिकेश से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश यमुनोत्री के लिए सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। ऋषिकेश तक आप ट्रेन या बस से आ सकते हैं तथा इसका निकटतम एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट है, जिसके बाद आप पब्लिक बस, टैक्सी या निजी वाहन से यमुनोत्री जा सकते हैं। यमुनोत्री जाते समय रास्ते में आपको देवप्रयाग, धरासू, बड़कौट तथा जानकी चट्टी जैसे शहर देखने को मिलते हैं। जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर पैदल चलकर यमुनोत्री पहुंचा जाता है। यमुनोत्री मंदिर तक आप जानकी चट्टी से पिट्ठू, खच्चर या पालकी तक भी जा सकते हैं। जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर तक गाड़ी से जाने के लिए कोई भी मार्ग नहीं है, इसके लिए आपको पैदल ही जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। पैदल चलते हुए आपको रास्ते में इतने सुंदर प्राकृतिक नज़ारे जैसे बर्फ से ढके हुए पहाड़, झरने, यमुना माँ की कलकल बहती धारा व ऊंचे नीचे रास्ते, इन सबको देखकर आपको रास्ते की लंबाई का पता ही नहीं चलेगा। मंदिर में पहुंचने पर आपको शांति का अनुभव होता है तथा आपके मन भक्ति में हो जाता है। यमुनोत्री जाने के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से नवंबर के बीच का है। अप्रैल के अंत या मई के महीने की शुरुआत को इस पवित्र मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोले जाते हैं। हर साल अक्षय तृतीया को मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तथा कार्तिक माह की यम द्वितीया को मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं।
इसके बाद यमुना माता को यमुनोत्री से डोली के द्वारा शरद ऋतु शुरू होने पर खरसाली लाया जाता है, क्योंकि इन 6 महीनों में इस धाम में बर्फबारी होती रहती है तथा सारे पहाड़ व मंदिर बर्फ से ढक जाते हैं। इस दौरान हम यमुना माता के दर्शन खरसाली में कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि यमुनोत्री में घूमने योग्य स्थान कौन कौन से हैं। यमुनोत्री सुरम्य स्थानों से घिरा हुआ है, जो एक पवित्र धाम है। यहाँ पर यात्रा के दौरान आपको प्राकृतिक नज़ारों की भरमार मिलेगी, जिनको देखकर आपका मन वहीं लीन हो जाता है। लेकिन प्राकृतिक नज़ारों के साथ साथ यमुनोत्री में और भी ऐसे स्थान हैं जिन्हें देखकर आप अपने आप को प्रकृति की गोद में व माँ यमुना के चरणों में पाएंगे। दोस्तों, यहाँ दर्शनीय योग्य बहुत सारे स्थान हैं, जिसमें सबसे पहले आता है जानकी चट्टी। जानकी चट्टी को यात्रा का पहला पड़ाव भी कहा जा सकता है, क्योंकि जानकी चट्टी से ही यमुनोत्री की पैदल यात्रा शुरू होती है। यहाँ से आपको बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देंगे, जो बहुत मनमोहक लगते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर सीता माता ने विश्राम किया था। जानकी चट्टी अपने गर्म पानी के कुंडों के लिए भी प्रसिद्ध है। यमुनोत्री जाने से पहले इन कुंडों में गर्म पानी से स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है। दोस्तों, अगला नंबर है सूर्यकुंड। यमुनोत्री मंदिर के प्रांगण में स्थित सूर्यकुंड यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है, जो अपने प्राकृतिक कुंड के लिए जाना जाता है। इस कुंड को अपना नाम यमुना नदी से प्राप्त हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी यमुना के पिता सूर्य भगवान हैं तथा यह कुंड इन्हीं को समर्पित है। चारों ओर बर्फीली घाटी से घिरा यह कुंड तथा इस स्थान को दिव्य महत्व से जोड़ता है। सूर्यकुंड एक पवित्र स्थान है। यहाँ के पानी का तापमान लगभग 88 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान लगाया गया है। इस कुंड में लोग चावल व आलू पकाते हैं, जो कुछ ही मिनटों में पक जाता है। यह प्रसाद के रूप में श्रद्धालु अपने घर लेके जाते हैं। माँ यमुना को प्रसाद के रूप में चावलों को चढ़ाया जाता है। इस कुंड का पानी इतना गर्म है कि आप इन्हें अपनी आँखों से खोलते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, अगला है दिव्य शिला। यह यमुनोत्री में सूर्यकुंड के पास स्थित एक बड़ी चट्टान है। दिव्य शिला भक्तों के लिए एक भक्तिमय एहसास प्रस्तुत करती है। यह परंपरा है कि सभी भक्तों को यमुनोत्री में प्रवेश करने से पहले दिव्य शिला के दर्शन अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, अगला स्थान है खरसाली। जानकी चट्टी से 1 किलोमीटर तथा हनुमान चट्टी से 9 किलोमीटर दूर खरसाली उत्तर जिले में एक छोटा सा गांव है। समुद्र तल से 2675 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खरसाली शीत ऋतु में माँ यमुना का निवास स्थान होता है, जब यमुनोत्री में भारी बर्फबारी होती है। तथा इसके अलावा यहाँ पर हनुमान चट्टी, भैरव घाटी इत्यादि स्थानों को भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको एक ऐसे परम धाम के विषय में बताया, जहाँ जाकर आप खुद को साक्षात यमुना माँ की गोद में पाएंगे और आपका मन भक्ति से भर जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अगर आप और भी ऐसे मंदिरों या धामों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। Thanks for watching.